ओम शांति गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है वक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आज की मुरली ममता बहन जी पढ़ेंगे जी ममता बहन आप स्टार्ट कर सकते हो आपको ओम शांति म्यूट पे था आज की मुरली की है, है। समीप आत्मा की निशानिया मुरली है चौदह फरवरी उन्नीस सौ अठहत्तर की जैसे कि हैडिंग है समीप आत्मा की निशानिया तो इस मुरली में बाप दादा ने समीप आत्मा की निशानियां बताई हैं कि जितना जो समीप होगा उतना बाप के समान स्थिति में कर्तव्य में गुणों में सदा संपन्न दाता होगा वैसे ही बाप समान हर सेकंड हर संकल्प में विश्व कल्याणकारी होगा फिर बाबा ने विश्व कल्याणकारी की भी विशेषता ही बताई कि जो विशेष विश्व कल्याणकारी होगा वो हर आत्मा के प्रति चाहे प्रकृति के भी प्रति एक भी संकल्प शुभावना का नहीं होगा उनका दूसरों को भी बापसमान बनाने की भावना होगी निर्बल को बलवान बनाने की भावना होगी दुखी अशांत को सम को प्राप्त स्वम की प्राप्ति शक्तियों के आधार से सुखी शांत बनाने की भावना होगी कोई भी संकल्प सार से खाली व्यर्थ नहीं होगा विश्व कल्याणकारी का हर बोल रुहानी साज की तरह होगा दूसरों को सुकून देने वाला होगा विश्व कल्याण का हर कर्म कर्म योग्य होने का, के कारण चरित्र के समान गायन और कीर्तन योग्य होगा और हर सेकंड का संपर्क जिनके भी संपर्क में आएंगे उनकी भी कामनाओं की प्राप्ति का शक्ति का शांति का और मुश्किल को सहज करने का अधीन से अधिकारी बनाने का उदास से हर्षित होने का सभी बल उनमें होगा विश्व के मालिक बनने का भी अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार पर ही है फिर बाबा ने इस आठ पातशाही में आने की विधि भी बताई ना प्रश्न भी पूछे तो आज इसको विस्तार से सुनेंगे और मुरली को सुनते हुए बाप दादा के मुख महसूस करते हुए अपने में चेक भी कर सकते हैं कि हम कितने इन विशेषताओं में आए हैं और उसको सुनते हुए रिलाईज भी कर सकते हैं। तो अभी बाप दादा के सामने अपने को अनुभव करेंगे <laughs> आप दादा सही सुनेंगे समीप आत्मा की प्यारे बाबा बोले अव्यक्त बाप दादा बोले स्वम को सदा बाप दादा के साथ अर्थात सदा समीप अनुभव करते हो समीप आत्मा की निशानी क्या होगी पूछा बाबा ने जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में कर्तव्य में गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात होगा जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा जैसे बीज फल से भरपूर होता है, का सार बीज में भरा हुआ होता है। ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना कल्याण की भावना सर्व को बाप समान बनाने की भावना निर्बल को बलवान बनाने की भावना दुखी अशांत को स्वम की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना यह सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा कल्याण की भावना से समर्थ होगा जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे स्थूल साज आत्माओं को अल्प काल के लिए उल्लास में लाते हैं न चाहते हुए भी सबके पाँव नाचने लगते हैं जिसे नाचना आता है तो कहते हैं जी वो रुक नहीं पाता ना जो गाता है तो उसे गाने से भी कोई रोक पाता तो बाबा कह रहे हैं तो मन नाचने लगता है वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल रूहानी साज के समान उमंग और उत्साह दिलाता है उदास आत्मा पाप से मिलन बनाने का अनुभव करती है और खुशी में नाचने लग पड़ती है विश्व कल्याणकारी का कर्म कर्म योगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं देखना अलौकिक चलना अलौकिक हर कार्य के इंद्रियों की महिमा अपरापार करते रहते हैं चरण कमल ऐसे मतलब उपाधि देकर करते रहते हैं और महिमा गाते हैं तो बाबा कह रहे हैं तो विश्व कल्याणकारी के चरित्र भी उस समान होंगे तो अपरम पार करते रहते हैं ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होता है ऐसे आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क पहले बाबा ने कर्म बताया फिर चरित्र बताए तो अब बाबा ने हर सेकेंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है कोई आत्मा को शक्ति का कोई को शांति का जिसको जो चाहिए मुश्किल को सहज करने का अधीन से अधिकारी बनाने का उदास से हर्षित होने का इसी प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग और उत्साह दिलाता है परिवर्तन का अनुभव करता है छतर छाया का अनुभव कराता है ना बाबा के भी और उसका सहयोग को ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है ऐसे बन रहे हो ना बाबा पूछ रहे हैं सारी विशेषताएं बताकर लक्की तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया यह अधिकार तो सबको मिल ही गया बाबा को भी है वो है कि ये अधिकार तो सबको मिल गया कि बाबा ने स्वीकारा अधिकारी बनाया तो है लेकिन विश्व का मालिक बनने का आधार अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा कि जितना विश्व कल्याणकारी उतने विश्व के मालिक बनने का अधिकार अब एक अपने आप से पूछे बाबा ने कई प्रश्न दिए ये पूछने के लिए अपने आप से क्या राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं अधिकारी बने हैं राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं हैंशीन बनने के अधिकारी बने हैं या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं कहाँ तक पहुंचे हैं राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं विदेशी आत्माएं अपने को क्या समझते हैं सब राज्य करेंगे या राज्य में आएंगे क्या जो मिलेगा वह मंजूर है विदेशी आत्माओं से सत्यु के आध आठ पातशाही में तक निशीन बनने के उम्मीदवार कौन समझता है पापा पूछ रहे हैं कि आठ पातशाही में से वो उसमें से भी लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट सेकंड उसमें आएंगे आठ बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा या यह सोचा है कि सिर्फ आठ ही हैं, वे आठ ही है वही सोचेंगे बाबा ने कहा कि आठ में आना चाहते हैं उसमें क्या आप करना पड़ेगा बहुत सिंपल बात है विधि बताई बाबा ने यह देखो कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ तिमर्ज रूप में होती हैं बाबा ने उसकी विधि या अपने अंदर चेकिंग पॉइंट बताया कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ रूप में होती हैं। अगर दो चार शक्तियां हैं और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते भाव कह दे देखो आज बाबा ने विधि बता दी कि अष्ट बादशाहियों में आना है तो अष्ट शक्तियां एक समान एक समय पर चाहिए एक भी शक्ति की कमी नहीं अष्ट शक्तियों की समानता हो और एक ही समय अष्ट ही शक्तियां इमर्ज चाहिए ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति सौ परसेंट लेकिन निर्णय शक्ति परसेंट या फिफ्टी परसेंट दोनों में समानता चाहिए तो कह रहे निर्णय शक्ति साठ परसेंट या पचास परसेंट है ना तो दोनों में समानता चाहिए अर्थात परसेंटेज फुल चाहिए तभी संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे तभी संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे अब बताओ क्या बनेंगे बाबा ने तो विधि भी बताई और तरीका भी बताया तो अब बताओ क्या बनेंगे अष्ट नारायण के राज्य या तखत के अधिकारी होंगे अष्ट नारायण के राज्य और तखत के अधिकारी होंगे विदेशी आत्माओं में उमंग और हिम्मत अच्छी है हिमते बच्चे मदते बाप हाई जंप का सैंपल बन सकते हैं, लेकिन यह सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी ने ऊपर समझाई विधि बताई ऊपर अपने में विशेषताएं बताई विश्व कल्याणकारी बनने की तो वो सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं रेस में नंबर वन दौड़ लगाने वाले ऐसे उमंग उत्साह वाले दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले ऐसी आत्माएं भी हैं जरूर अब स्टेज पर प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ भाव के लिए तैयारी तो कर रहे हो रेस में भी नंबर 1 हो लेकिन प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है और फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है उसी प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना है हर कर्म में चढ़ती कला हो अच्छा हर कर्म में चढ़ती कला हो अच्छा अफ्रीका पार्टी प्रति सब त्रिपुर हो ना अर्थात सोचा और किया आज त्रिपुर की भी डेफिनेशन बताई बाबा ने अर्थात सोचा और किया सोचने और करने में अंतर नहीं जैसे कई बातों में प्लान भूत बनाते हैं प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है तो त्रिपुरुषार्थी जो होगा वह जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा जो होगा जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा जैसे, करने, जैसे सोचा और करेगा तो ऐसे त्रिपुरुषार्थी होना प्राय राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपकी तरफ बहुत आती हैं लेकिन आज बाबा ने जो परिस्थितियां आती हैं पेपर आते हैं उसे पार करने के लिए कई विधियां बताई वह यदि स्मृति में रखेंगे तो पार हो जाएंगे तो बताया आगे लेकिन जो सदा बाप के साथ है पहली तो ये है कि बाबा को साथ रखना है जो सदा बाप के साथ है उसके आगे परिस्थिति भी सब स्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है पहाड़ भी राई बन जाता है ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार यह सब बातें पार कर चुके हैं दूसरी विधि नथिंग न्यू पहला सब स्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाएगी परिस्थिति दूसरा नथिंग न्यू जैसे कई बार ये सब बातें पार कर चुके हैं जर लगेगा फिर नथिंग नई बात में घबराना होता है लेकिन नथिंग न्यू कुछ नई बात नहीं है बाबा कह रहे तो ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं जैसे पानी नीचे रहता होता है कमल ऊपर रहता है इसी प्रकार परिस्थिति नीचे है हम ऊपर हैं नीचे की बात नीचे कभी कोई बात आवे तो सोचो पहला कि बाप दादा हमारे साथ है आल माइटी हमारे साथ है आल माइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चीटी के समान है जैसे हाथी के नीचे चीटी कैसे लगती है तो ऐसे आल माइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चीटी के समान है कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है सोचो नहीं कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे क्या खाएंगे सच्चे दिल का साथी बाप है जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पित हुए जब शुरू में कुछ सोचा तैसे तो बाबा कह रहे हैं सच्चे दिल का साथी बाप है जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते बाबा कह रहे हैं बाबा भूखे नहीं मरने देगा जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं वह तो भिखारी हैं, उनका पेट भर जाता है तो आप तो दिखारी हैं तो आप भूखे कैसे रह सकते हैं इसलिए जरा भी घबराओ नहीं क्या होगा बाबा जैसे गारंटी कर रहे हैं कि बाबा कह रहे जब भक्तों को ही मैं इतना अनुभव कराता हूँ भूखे कभी मरने नहीं दिया तो बाबा बच्चे हैं आप तो बच्चे हैं ना तो बाबा कह रहे हैं कि भूखे कैसे रह सकते इसलिए जरा भी घबराओ नहीं जो होगा वो अच्छा होगा सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है बाबा परीक्षा भी लेंगे पेपर भी लेंगे छोटा सा पेपर सारे जीवन का नहीं होता उसके समाधान भी बाबा पहले बता रहे हैं कि पेपर भी लेंगे और उसका समाधान भी ना पेपर सारे जीवन का नहीं होता एक या दो घंटे का पेपर होता है अगर बाप दादा सदा साथ हैं पेपर देने के टाइम पर एक बल एक भरोसा है तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं जैसे स्वपन होता है ना स्वपन की जो बात होती है वह उठने के बाद समाप्त हो जाती है तो यह अभी दिखाई बड़ा रूप देता है लेकिन कुछ है नहीं तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो कोई भी पेपर आए, वो कोई खास बात नहीं है तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो हर एक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है तो ऐसी आत्माएं जो हैं ही विजय के तिलक वाली उनकी हार हो नहीं सकती मेहनत करके आए हो पर पार करके आए हो इसलिए बाप दादा भी मुबारक देते हैं यह भी ड्रामा में है जैसे स्टीमर टूट जाता है तो कोई कहां कोई जा कहा जाकर पढ़ते हैं पापा पहले की बात बता रहे हैं कि कैसे बिछुड़े थे हम यह भी द्वापर में सब बिछुड़ गए कोई विदेश में कोई देश में अभी बाप बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठी कर रहे हैं अभी बेफिक्र रहो कुछ भी होगा तो पहले बाबा के सामने आएगा महावीर हो ना कहानी सुनिए ना भट्टी के बीच पुंगरे बच गए क्या भी हो लेकिन आप सेफ हो महाभारत की सुनाते हैं ना कि पांडवों के साथ आग से बच गए थे बिल्ली का पुंगरा भी था साथ में <coughs> क्या भी हो लेकिन आप सेफ हो सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए जो बाबा ने आप पर विधियां बताई ना कि कैसे कैसे एक पेपर से पास हो सकते हैं किन समृद्धियों से समर्थि आती है तो बाबा कह रहे हैं आप सेफ हो वही माया प्रूफ बनने की ड्रेस है सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए ड्रेस तो सदा साथ रहती है ना माया प्रूफ की प्लेन में भी देखो एमरजेंसी में ड्रेस देते हैं कि कुछ हो तो पहन लेना तो आपको बहुत सहज साधन मिला है ये सभी जो विधियां बाबा ने बताई तो वो सहज साधन है तीसरे बाबी बाप दादा साथ हैं। सब, साथ सहज सभी ज्ञान की पॉइंट में सा तो, तो पहन लेना तो आपको बहुत सहज साधन मिला है हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ऐसे बनाने वाले बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू शांति एक मिनट साइलेंस करेंगे फिर ओम शांति सभी अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं ओम शांति आज प्यारे बाप दादा ने हमें इतने अच्छे से बताया कि जो बीज होता है बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समाया होता है तो हम भी जो संकल्प करते हैं वही संकल्प से वृत्ति बनती है वृत्ति से फिर अगर वैसे ही सोचने वैसे ही वाइब्रेशन फैलते हैं वायुमंडल में तो बाबा ने कहा कि हर आत्मा के प्रति आपकी शुभ भावना शुभ कामना हो क्योंकि जब हमारी वृत्ति ही शुभ भावना शुभ कामना वाली होगी सबको जो भी दुखी अशांत आत्माएं आएंगी वो हमारी वृत्ति से ही वो पावरफुल का अनुभव करेंगे कि हाँ कुछ मिल रहा है हमें इनसे तो वो हम तभी हमसे सुनेंगी क्योंकि जब हम ज्ञान भी सुनाएंगे हमारी वृत्ति अगर अंदर से शुभ भावना की होगी तभी उनको तीर भी लगेगा तो इसलिए बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो अपनी शुभ भावना शुभकामना मत छोड़ो जी। ओम शांति ओम शांति तो आज बाबा बोले कि मुझ आत्मा को सदैव माया प्रूफ ड्रेस पहन के रखना है माया प्रूफ ड्रेस माना मुझे ये रिमाइंड रहे कि सदा बाप मेरे साथ हैं ऑल माइटी मेरे साथ हैं और खुद बाप जिम्मेवार हैं मैं ईश्वरी संतान हूँ और बाप के सर्व शक्तियों के अधिकारी हूँ और दूसरा ज्ञान की नॉलेज है कि नथिंग न्यू कुछ भी नया नहीं है सब रिपीट हो रहा है तो इस तरह से मैं कमल पुष्प सामान रहकर माया प्रूफ ड्रेस पहने रखती हूँ और बेफिकर बादशाह की तरह लाइफ को लीड करती हूँ ओम शांति ओम शांति आज बाबा ने तीब्र पुरुषार्थी का असली मत मतलब समझाया है कि तीब्र पुरुषार्थी जो होता है वो जैसा सोचता है वही सेम कस सेम करता है और उसमें कोई अंतर नहीं रहता है नहीं तो कई बार होते हैं कि प्लान बहुत बनाते हैं और करते कुछ हैं या कुछ सेलेक्टेड ही चीज कर पाते हैं सारा चीज नहीं कर पाते हैं तो बाबा ने कहा जैसा प्लान बनाएंगे वैसा करेगा वही तीव्र पुरसाती है तीव्र पुरसाती के सामने कोई परिस्थिति नहीं आएगी ऐसा नहीं है बाबा ने कहा है कि पराया राज्य अपने यहाँ के राज्य यहाँ रहने वाले नहीं है ये पराया राज्य है तो परिस्थितियां तो आएगी लेकिन अगर बाप को सदा साथ रखेंगे तो परिस्थितियां स्वयं स्थिति को अगर ठीक रखेंगे तो उसके ऊपर में परिस्थितियां भी ठीक हो जाएगी तो बाप को हर समय याद रखना है ओम शांति जी निमता जी आप शेयर कीजिए ओम शांति भाई ओम शांति भाई जी आज बाबा ने बोला कि कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा को नहीं भूलना जो सदा परिस्थिति के समय बाबा को अपना समझते वह सदा बेफिकर रहता है क्योंकि बाबा का बन गए माना सारे जिम्मेदारी बाबा का ही जो हो रहा जो, है नथिंग न्यू भी बनी बनाया हुआ ड्रामा है है तो उसमें प्रभावित नहीं होना है। सब कुछ समर्पण कर देना है जब बाबा को सब कुछ समर्पण कर दिया माना मेरा शरीर भी बाबा का मन भी बाबा का तो बुद्धि भी बाबा का तो शरीर से कोई भी अनुभव नहीं रखना नहीं करना मन में भी कोई संकट भी नहीं लाना बुद्धि सिर्फ बाबा की तरफ जाना तो जो हो रहा है मेरे लिए ड्रामा में नूंद है तो नथिंग न्यू समझना है यह पहले से भी हुआ था अब भी हो रहा है तो अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर परिस्थिति को पार करना है ओम शांति जी अंजला एं, सदी जी आप बोल सकते हो ओम शांति भाई जी आज बाबा ने कहा कि हमारा पेपर छोटा सा होगा वो निश्चय का और पेपर सारे जीवन का नहीं होता सिर्फ एक दो घंटे का पेपर होता है और बाबा ने कहा कि उसने हमें पेपर देने की उसने कि कुछ था ही नहीं और बाबा ने कहा कि हमारे मस्तक में अः का तिलक लगा हुआ है तो ऐसी हम आत्माएं जो है ही विजय के तिलक वाले हमारे हार हो नहीं सकती हम करके आए हैं परिस्थिति पार करके आए हैं तो बाप दादा हमें सदा मुबारक देते हैं और बाबा ने कहा कि ड्रामा में जैसे टूट जाता है तो हम आ, कोई, कहा, कोई कहा जाकर पड़े हैं अभी जैसे द्वापर में सब बिछड़े हुए है तो बाबा ने हमें आकर अभी अपना बनाया है तो हमें बेफिक्र रहना है और कुछ भी होगा तो पहले बाबा को हमने सामने रख तो रखकर मावीर हो नारी ओम शांति जी दीदी दी बहुत अच्छा डॉक्टर साधना दीदी जी आप शेयर कर सकते हो ओम शांति आई भवानी विश्व कल्याणकारी आत्माओं के बारे में बताया कि जैसे फूल साल हमें उल्लास में लाते हैं सबके ना चाहते हुए सबके पांव नाचने लगते हैं मन नाचने लगता है वैसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर बोल रूहानी सास के समान हर आत्मा को उत्साह में लाता है उदास आत्मा बाप से मिलन मनाने का अनुभव करती है खुशी में नाचने लग पड़ती है और ये कल्म विश्व कल्याणकारी कर्म, कर्म योगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान उनका बाप के समान गाय गायन योग्य होता है हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है जैसे भक्त लोग देखते हैं देखी वर्णन करते हैं कि देवताओं का देखना अलौकिक चलना अलौकिक हर कार्य इंद्रियों की महिमा आ, की महिमा करते रहते हैं अपरम पार ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होता है ऐसी आत्मा को कहा जाता है पाक समान समीप आत्मा ओम शांति ओम शांति जी बोली जी बाबा कहते हैं कि जो बाप के साथ है उनके बाप जिम्मेदवार है तो बाबा कहते हैं कि जो सोचो नहीं कि हम कैसे रहेंगे क्या करेंगे क्या खाएंगे सच्चे दिल के साथ बाबा साथी बनकर रहते तो जो भक्त आत्माएं है रहते हैं वो भिकारी होकर भी बाबा उनका पेड़ भरते तो हम तो अधिकारी है तो बाबा कहते हैं आप तो अधिकारी है आप घबराओ नहीं कि हम कैसे रहेंगे क्या करेंगे ये सब बाबा पर छोड़ देना है जो भी पेपर आता है वो, वो जो होगा वो अच्छा होगा ये समझ कर चलना है पेपर क्या जीवन भर का नहीं रहता है सिर्फ एक दो घंटे का रहता है तो बाबा हमारा साथी है यह समझ कर बाप पर एक बल एक भरोसा एक एक रखना चाहिए तो हम ऐसे बाबा के बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर चलना चाहिए और बाप पर पूरा भरोसा रखकर चलो ओम शांति जी एक बल एक भरोसा बाबा ने जब भक्तों का पेट भर जाता है तो भिखारी है आप तो अधिकारी हो पेपर जो होता का होता है एक दो, दो तीन घंटे का होता है बहुत तो अच्छा दीदी बोली गंज दीदी ओम शांति भाई जी जिसके समीप रहते हैं इसका संग लगता है परमात्मा दाता है सर्वगुण सर्वगुण सर्वशक्तियों का भंडार है उसके समीर रहने वाली आत्मा ही उसके समान स्वतः बन जाती है जैसे परमात्मा स्वर सर्व गुणों का शक्तियों का दाता है उसके साथ रहते रहते कर्मों में में भी परमात्मा की छवि दिखाई देती है तो बाबा कहते हैं समीप रहने वालों की निशानी जैसे बाप वैसे बच्चे जो बाप दाता है तो बच्चे भी बाप समान दाता बन जाते हैं उनके हर कर्म में शक्तियों में दान दान होता है तो बाबा विश्व कल्याणकारी है विश्व में प्रकृति भी है पांच तत्व भी है और सब आत्माएं ही है तो उसका कल्याण करते हैं जो समीप रहने वाली आत्माएं वो प्रकृति और प्रकृति प्रति श्रेष्ठ भावना रखेगी और व्यक्तियों को परिवर्तन करने की भी भावना रखेगी उसके हर संकट में हर श्वास में सबकी भला हो सबका कल्याण हो सब आत्माएं प्रकृति की सुखदाई बने ऐसी शुभ भावनाएं रहती है तो बाबा कहते हैं मेरे समीप रहते हैं समीपता का लक्षण बच्चों में आ जाता है वो प्रकृति और विश्व की सेवा के निमित्त वे बन जाते हैं जैसा संकल्प जैसा संकल्प बीज है बीज में वृक्ष समाया हुआ है तो दिखाई तो नहीं देताने देखो लेकिन, लेकिन इसमें इसको तो धरनी में डाला जाता है तो पौधा बन जाता है तो, तो इसी तरह इसी तरह वो वृद्धि को पाते हैं तो बाबा कहते संकल्प बीज जिस समय जिस कार्य की, की आवश्यकता मानो कोई निर्बल आत्मा आती है तो इसके इस जिस प्रकार की इसको जरूरत हो इस प्रकार इसके शुभ भावना और रहम की भावना से कल्याण की भावना से उसके अंदर जब शक्तियों सक्ति, का स्टोक है ना इस प्रमाण इसका प्रॉब्लम हल करेंगे और इस प्रकार की इसको सेवा करेगी क्योंकि उसको संस्कार मज हो तो सेवा करेगा और बाबा का नाम जी 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 बोलता बोली देव कुल की आत्माओं कमलजीत कौर दीदी जी कमल कौर दीदी जी आप बोल सकते हो कमलजीत दीदी जी आवाज आ रही है हमारी। सभी परिवार को बाबा ने आज कहा है अगर दो चार शक्तियां है और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकती ओम शांति जी एक भी शक्ति कम है तो हम अस्पताल से नहीं आ सकते बहुत अच्छा दीदी जी बोली कविता जी जी आप शेयर कर सकते कविता जी जी ओम शांति भाई की आवाज आ रही है ना प्रिय जी।, जी तो बाबा ने कहा कि जो हमारा पेपर है निश्चय का बाबा ने कहा कि जब पेपर आता है तो हमेशा हमें बाब, बाबा को साथ रखना है और एक बल एक भरोसा रहना है तो कौन सा भी पेपर हो हम उसको पार कर जाएंगे बहुत ही आसानी से तो पेपर तो पूरा दिन का नहीं होता है एक दो घंटे का होता है तो सदा हम यही निश्चय खुद पे रखे बाबा पे रखें ड्रामा पे रखें और परिवार पे रखे तो हर निश्चय में पास होना है तो बाबा को साथ रखना है और एक बार एक बार उससे रहना है एक तो बार बाप मम्मी होता है अभी सोम पे भरोसा बाप पे भरोसा परिवार पे भरोसा भरोसा रखना है एक बल एक भरोसा तो विजय हमारी हुई पड़ी है बोलिए आशा देवी जी आप शेयर कीजिए आशा देवी जी आप शेयर कर सकते हो ओम शांति भाई मेरी आवाज आ रही है आपको हाँ जी हाँ जी आ रही है हाँ हाँ पापा ने वैसे, पहले सोलह सो आत्माओं की विशेषता बताई एक आत्माओं की एक सौ आठ में आने वाली भी आत्माओं की विशेषता बताई आज बाबा ने अष्ट रत्न में आने वाली आत्माओं की विशेषता बताई और बताते हुए कहा है कि जिन आत्माओं में शक्तियां होंगी वे वही अष्टर में आ सकती हैं अगर एक भी शक्ति की कमी रही निर्णय करने की शक्ति परखने की शक्ति समाने की शक्ति कोई भी शक्ति अगर एक भी कम रही तो वो अष्टरत्नों में नहीं आ पाएंगे तो बाबा ने यही इशारा दिया है कि अभी अगर आप चाहते हो कि अष्टरत्नों में आओ तो आप अपनी सभी शक्तियों से संपूर्ण बनो सारी कलाएं सब गुण अपने अंदर डाल लो ओम शांति जी बाबा ने कहा परसेंटेज भी कम नहीं होनी चाहिए तो तो किसी में 50%, 60 फिर भी नहीं आ सकोगे इसलिए कंप्लीट बनना है बोलिए यादव भाई जी यादव भाई जी आप शेयर कर सकते हो ओम शांति आज बाबा ने कहा विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं रेस में नंबर वन दौड़ लगाने वाले ऐसी उमंग उत्साह वाले दूर रहते भी समीप का आ, होते बाबा के पास ये नहीं समझना सिर्फ मधुबन वाली है ऐसी आत्मा भी जरूर है अब स्टेज पर प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है और फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है उसी प्रमाण चलना है और पुरुषार्थ करना है हर कर्म में चढ़ती कला होना चाहिए ओम शांति जी बाई जी बहुत अच्छा गौतम भाई जी मॉर्निंग सभी को आज की मुरली में जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात है बापा ने बताया है कि तीव्र पुरुषार्थी के बारे में कि तीव्र पुरुषार्थी क्या होती है कि जो सोचते हैं वही करते हैं सोचने और करने में कोई भी अंतर नहीं होती है होती क्या है कि जो हम लोग बहुत आत्मा जो बहुत प्लान बनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में आते आते बहुत सारे अंतर हो जाते हैं सोचा कुछ और हो, होता है कुछ पूरी जो करना है वो होती नहीं है तो बाबा ने कहा कि की तिरुपुरसाती जो होगा वो जो प्लान बनाएगा और वही प्रैक्टिकल हो जाएगा ओम शांति जी कथनी करनी है एक समान सोचना और करना एक समान होगा तिरुपुरसादी का बहुत अच्छा भाई जी बोली कमलजीत कौर दीदी जी शानी प्यारी हिम्मत बच्चे मदद तो हिम्मत नहीं छोड़नी और में पूरा आई ने साकार में भी कहा पूरा निश्चय कि मैं आत्मा हूँ वर्षा तो मिलना और दूसरा जो था नथिंग न्यू का पार्ट जब भी परिस्थिति आती है एक तो अपनी स्वस्थिति इतनी स्ट्रोंग हो बाबा हमारे साथ है और hmm. दूसरा नथिंग न्यू मैंने ये पहले भी पार किया हुआ है तो कोई नई चीज ना हो फिर तो घबराहट नहीं होती नई चीज से थोड़ा बहुत कई बार बंदा डोलता है अदरवाइज तो प्रैक्टिस हुई है फिर नहीं फर्क पड़ता तो मुझे आत्मा कोई ये तो पॉइंट प्रैक्टिस करने हैं नथिंग न्यू स्वस्थिति में मतलब बाबा मेरे साथ है और हिम्मत नहीं छोड़नी यही मुझे हिम्मत का पॉइंट लगता है कि बाबा को हमेशा साथ रखना इसमें भी एक हिम्मत चाहिए तभी हमारी स्वस्थिति स्ट्रोंग हो सकती है ओम शांति जी शुक्रिया परिवार शुक्रिया बाबा दोबारा रिवाइज कराने के लिए जी जी कोई भी परिस्थिति आए बाबा मेरे साथ है बहुत अच्छा जी जी और <coughs> एक बल एक भरोसा भी रहे तब हमारी विजय हो सकती है बोलिए जी भाई जी आप लास्ट पार्ट शेयर कर सकते हो

बाबा से मिलन मनाने की खुशी दी जाए ओम शांति जी भाई जी बहुत अच्छा और कुछ शेयर करना चाहता है कोई लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या कहा ओम शांति में बोली यादव भाई जी आज बाबा ने ये भी कहा है पेपर सारे जीवन का नहीं होता पेपर होता ही एक दो घंटे का होता है तो बाप दादा कहते बाप दादा जब सदा साथ है तो पेपर देने में टाइम नहीं लगता है जब एक बलो, एक बर, एक होता है तो बिल्कुल ऐसे उस पेपर में पास हो जाएंगे जैसे कि कुछ कुछ भी नहीं था जैसे सपना होता है सपन की बातें तो उठने के बाद समाप्त तो हो जाती है वैसा पेपर भी अपना समाप्त तो हो जाता जब बाप साथ में है तो ओम शांति जी बाबा सारा ध्यानता रखना हैं सफलता मिलेगी बहुत अच्छा भाई शांति सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया और किसी को अगर कोई शेयर करना हो तो कर सकते हैं अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं ममता बहन जी आ, हम सबको योग भी कराएंगे बोलिए बोलिए प्रिंसिपल बहन जी आपको बोलना है कुछ ओम शांति जी ओम शांति गुड मॉर्निंग सभी को जो मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगता है बाबा ने पिछली बार भी कहा था कि हम बच्चे चाहते हैं कि बाबा के हम समीप बैठे जो बाप दादा के मिलन में जाते हैं मैं तो नहीं खैर गई तो उनकी ये इच्छा रहती है कि हम समीप बैठे तो बाबा ने आज बताया पिछली मुरली में भी यही बाबा ने बताया था कि समीप रहने का मतलब क्या है कि स्थिति में हम समीप रहे बाबा के कर्तव्य जो है वो कर्तव्य हम उनका हम धारण करें उनके हम उनको हम अपने जीवन में धारण करें और जो गुण है उनको हमने अपनाए तो यही बाबा कहते हैं समीप बनना है इसको ही बाबा समीप बनना, अर्थात संपन्न बनना तो बाबा ने कहा यही विशेषता हम बच्चों की होनी चाहिए तो हम सदा ही बाप दादा के दिल तख्त पर बैठे हैं ऐसा बाबा ने हम बच्चों को पिछली मूल्य में भी कहा था अब भी ये बाबा हमें कह रहे हैं ओम शांति जी जी बहुत अच्छा पॉइंट है समीपता क्या है तो आज बाबा ने मुरली ने स्टार्टिंग से ही बताया तो समीप रहना यानी उनके कर्तव्य में स्थिति में गुणों में सदा संपन्न और दाता का भाव तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी ज्योतिबेन जी आपको बोलना है जी तो बाबा ने आज सावध किया है कि निश्चय का पेपर आएगा बाबा के ऊपर कितना विश्वास है ना हिलाने के लिए आएगा जरूर तो उसके लिए हमें बाबा के साथ कितना कंबाइंड रहना पड़ेगा कितना पूरा मैं और बाबा कुछ अलग नहीं ये आएगा इसलिए बाबा बोल रहे अभी 2024 के स्टार्टिंग में ही बोला है तो ये पेपर ज्यादा देर का नहीं रहेगा अगर इसमें से हिलकर अगर बाबा का हाथ छोड़कर जाएंगे तो फिर वर्षा को गवाएंगे ये इसलिए बाबा ने बोला है। बोलिए अशोक भाई जी कमाई कौन है आपका उम्ष। आवाज नहीं आ रहा है ठीक है पोल शेयर कर रहे हैं अभी समय भी हुआ है तो सभी उसका रिप्लाई देंगे मेन स्क्रीन पर उसके बाद ममता बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे आज की बोली का शांति आज जैसे कि बाबा ने विश्व कल्याणकारी की विशेषताएं बताई हैं वही हम चार्ट बनाएंगे पहले तो कि कौन सी विशेषताएं हमारे में हैं और कौन सी नहीं है तो उसपे सारे दिन पे हम मन चिंतन भी करेंगे और उसको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे बाबा की याद से कि जो ये बाबा ने विशेषता बताई है ना कि सबके प्रति शुभ भावनाएं रखी पाप समान बनाने की भावना होगी निर्बल बनाने की भावना होगी दुखी शांत को को स्वयं प्राप्त की शक्तियों के आधार से सुखी शांत बनाने की भावना और कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं होगा कर्म कैसे होंगे चरित्र कैसे होंगे विश्व कल्याणकारी की ये अपने में चे, आज चेक करेंगे एक तरह से सुबह चार्ट बना लेंगे कि ये मेरे में क्या है और क्या नहीं है तो सारा दिन इस पर अटेंशन देते हुए बाप दादा से इसके लिए शक्ति लेते हुए ना बार-बार और समीप जाने की कोशिश करेंगे बाप दादा के साथ कम माइंड होने की का प्रयास अभ्यास करेंगे और फिर बाद में रात को भी चेक करेंगे कि कितना हम हैं और कितना हमें और उसके ऊपर कार्य करना है बाबा के समीप रहने का ये भी सुख की विशेषताओं को अपनी में धारण करने का फिर भी 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 हम जादस जादस भी आज जैसे नए स्मृति में रखें क्योंकि जितनी स्मृति होती है उतनी स्मृति भी होती है हम सब करते ही रहते हैं पेपर में पास होते भी रहते हैं फिर भी बाबा ने आज जो अवेयर किया तो उस पर हम ध्यान रखेंगे कितने हम सफल होते हैं पेपर को पास करने में और उसमें भी त्रिपुर शांति बनना है उसी प्रैक्टिकल में आना है <coughs> बाप दादा किस मुख अपने को महसूस करेंगे सूक्ष्म वतन में और अपने आप से ही पूछेंगे बाप दादा के सामने प्रश्न जो बाबा ने हमें दिए अधिकारी बने हैं और एक सेकेंड अपने आप से पूछें पूछते हुए सामने बाप दादा को अनुभव करें कि जैसे बाप दादा अपने नैनो से अपनी वरदानी हाथ से हमें वरदान दे रहे हैं वो बनने का समीप आत्मा का वरदान दे रहे हैं बाबा अधिकारी का वरदान दे रहे हैं बाबा दूसरा प्रश्न अपने से पूछी राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं और देखते रहे बाबा दृष्टि देते हुए में बल भर रहे हैं और बाबा हमें आठ बादशाहियों में आने की विधि बता रहे हैं हर समय समय एक ही पर अष्ट शक्तियों से भरपूर होना है एक भी शक्ति कम नहीं जैसे बाबा के नैनों से वरदानी हाथ से शक्तियां शक्तियाँ में भर रही हैं, महसूस करें बाबा के नैनों से आता वो प्रकाश हाथों से निकलती वो लाइट हमें अष्ट शक्तियां भर रही हैं सारी शक्तियां हंड्रेड परसेंट मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूं बाबा के हाथों तो में हाथ देकर चार्ज शक्तियों से संपन्न महसूस करे बाबा के दिल से शुक्रिया कहें बाबा का इतने सुंदर महावाक्य सुनाने के लिए संपन्न बनाने के लिए ज्ञान के भंडार से भरपूर करने के लिए शक्तियों से भरपूर करने के लिए पापा को नव पापा नया जीवन देने के लिए नई युग में ले जाने के लिए नए वर्ष में इतना संपन्न करने के लिए भरपूर करने के लिए शुक्रिया मेरे पापा शुक्रिया ना सुंदर परिवार देने के लिए शुक्रिया मेरे पापा शुक्रिया आप सभी का भी शुक्रिया थैंक यू बाबा सेवा के निमित्त बनाने के लिए शुक्रिया 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 ऐसे पापा का धन्यवाद करते हुए वापिस आ जाए शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी का धन्यवाद कल फिर मिलेंगे हैव ए गुड डे ओम शांति